रामलीला के दिन पड़ा मोहम्मद साहब का जन्मदिन। जानिए मुस्लिम समाज ने कैसे पेश की गंगा जमुना की मिसाल। उत्तर प्रदेश में एक तरफ मंदिर मस्जिद का विवाह चला है जिसकी सुनवाई न्यायालय में हो रही है। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश के जौनपुर गंगा जमुना तहजीब की मिसाल पेश की गई है जिसे जानकर आप भी ताजुब करेंगे। मरकजी सीरत कमेटी ने एक बार फिर गंगा जमुना तहजीब की मिसाल पेश करते हुए इस साल 8 अक्टूबर को भरत मिलाप होने के कारण ईद मिलादुन्नबी को एक दिन आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि तमाम जगहों पर इसको लेकर विवाद और उहापोह की स्थिति है। ऐसे में जौनपुर से ऐसी तस्वीर दोनों समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा आसन है जो आत्मक संदेश और नजीर है। मरकजी सीरत कमेटी ने ऐलान किया है। ऐलान के मुताबिक 9 अक्टूबर को पड़ने वाले ईद मिलादुन्नबी यानी बराफात को भरत मिलाप होने के चलते 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 9 तारीख को भरत मिलाप भी है, 9 तारीख को बराफात भी है, तो क्या डिसीजन मरकजी सीरत कमेटी ने लिया? मरकजी सीरत कमेटी इस बार ऐतिहासिक भरत मिलाप को देखते हुए गंगा जमुनी तहजीब को बचाए रखने के लिए यह फैसला ली है कि हम इस बार 12 रबी अव्वल यानी कि जश्न ईद मिलादुन्नबी का जुलूस 10 अक्टूबर को मनाएंगे। 9 अक्टूबर को भरत मिलाप को देखते हुए हम लोग गंगा जमुनी तहजीब को मिसाल को पेश करते हुए अपना जुलूस एक दिन आगे बढ़ा रहे हैं यानी कि 10 अक्टूबर को अपना जुलूस करेंगे। ये फैसला हम लोगों ने लिया है, मरकजी सीरत कमेटी ने, हमारे साबिक सदरों ने, सरपरस्तों ने मिलकर ये फैसला लिया है जिससे कि सिराज हिंद जौनपुर की जो गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पूरे हिंदुस्तान में दी जाती है वो एक बार फिर से दी जाए और ये अमन का गहवारा बना रहे। आपको बता दें कि मरकजी सीरत कमेटी के सदर हफीज शाह ने बुधवार को जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि इस्लामिक कैलेंडर और चांद के अनुसार इस साल ईद मिलादुन्नबी 9 अक्टूबर को पड़ रहा है लेकिन 8 तारीख को पंडित जी रामलीला का भरत मिलाप भी मनाया जाएगा। 9 तारीख तक भरत मिलाप की सजावट और भोर का मेला होगा। ऐसे में बराफात की सजावट और तैयारियों में दिक्कतें आईं जिसे देखते हुए कमेटी ने 10 अक्टूबर को ईद मिलादुन्नबी मनाने का निर्णय लिया है। मरकजी सीरत कमेटी के अध्यक्ष हाफिज साह मार्केजित ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि यह निर्णय गंगा जमुना तहजीब कायम रखने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने बताया है कि इससे पहले भी साल 2005 में बराफात के दिन होलिका दहन पड़ा था जिसके कारण तारीख में परिवर्तन किया गया था। अपनी गंगा जमुना तहजीब के लिए जाने जाना वाला शहर जनपद जौनपुर हमेशा से अमन चैन पसंद का शहर है। शायद यही वजह है कि पूरे देश में यदा कदा हिंदू मुस्लिम मारपीट या दंगे हुए लेकिन जनपद में आज तक नहीं आई। आपको बता दें कि अपने इस फैसले से मरकजी सीरत कमेटी ने एक बार फिर से इस बात को सिद्ध कर दिया है कि जौनपुर के हिंदू मुस्लिम भाई आपस में किस तरह से भाईचारे के साथ एक दूसरे का त्यौहार मनाते हैं। जौनपुर से ये सकारात्मक संदेश प्रदेश और देश के लिए नजीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत न्यूज़।